आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम केदार जी से एक कहानी सुनेंगे, अपना देश। तो केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का। कहानी अपना देश, जो कि मधुरिमा दैनिक भास्कर में 25 अगस्त 2021 के अंक में प्रकाशित हुई थी, तो उस कहानी का मूल पाठ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अपना देश। रामलाल ने आखिरकार शहर में आकर नया किराए का कमरा ले ही लिया। आज पहला दिन था, दोपहर से शाम तक का समय तो कमरा जमाने में ही लग गया। शाम को खाना खाकर दोनों पति पत्नी अनमने से बैठ गए। नई जगह, नया मकान और अनजान लोग, तनाई धुंध की तरह दोनों के भीतर पसरी हुई थी। यूं तो वह अपने दो छोटे भाइयों और उनके पति पत्नी बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रह रहा था, परंतु अब परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। कभी बच्चों को लेकर, तो कभी बिजली के बिल को लेकर, तो कभी रोजमर्रा के काम को लेकर। वह रोज शहर से मजदूरी करके वापस घर आता तो शाम को कलह तैयार मिलता। कभी कभी तो वह कलह से उद्विग्न होकर बिना खाना खाए ही सो जाता। फिर धीरे धीरे वे लोग मारपीट पर उतरने लगे। शाम को रामलाल जब घर आता तो पत्नी रोती सिसकती शिकायतों का गुबार निकालती मिलती। जब वो भाइयों और उनकी पत्नियों को उलाहना देता तो फिर नए सिरे से कलह छिड़ जाता। आखिरकार परेशान होकर उसने शहर में बसने का निश्चय कर लिया। शहर के प्रति रामलाल का आकर्षण उसके अवचेतन में कुंठा बनकर बचपन से ही घर किए हुए था। परिस्थितियों ने इसको हवा दी। वैसे भी रोजगार के लिए, इलाज के लिए और हाट बाजार में खरीदारी के लिए उसे शहर आना ही पड़ता था। उसका यह स्वप्न आज यथार्थ में बदल चुका था, पर न जाने क्यों उखाड़ कर दूसरी जगह लगाए पौधे की तरह उसका मन आज कुमलाया हुआ था। दरवाजा खुला था, उसे मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ आता दिखाई दिया। सामान्य अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मकान मालिक ने खोद खोद कर सारी जानकारी ली। पता चला कि बंगला बनवाते समय यह कमरा मजदूरों के रहने और उनका निजी सामान रखने के लिए था और पहली बार रामलाल को किराए पर दिया गया था। मकान मालिक के जाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी राधा से पूछा। मकान मालिक और मालकिन तो भले जान पड़ते हैं। राधा कुछ नहीं बोली, वैसे ही उदासी भरी आंखों से शून्य में ताकती रही। सुबह सब चाय पीकर उठे ही थे कि मकान मालकिन की आवाज सुनाई पड़ी, ट्यूबवेल चलने वाला है, पानी भर लो, नहा धो लो, एक घंटे बाद बंद हो जाएगा। राधा ने जल्दी से बर्तन साफ किए, पानी भरा, सभी जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए। एक घंटे तक हड़कंप मचा रहा। रामलाल को इस समय गांव की याद आ रही थी। जब चाहो तब तालाब में जाकर नहा लो, कपड़े धो लो, पर अब तो घड़ी पर नजर रखनी पड़ती थी। सुबह 8 से 9 बजे तक का समय चूक गए तो देरी के लिए 10 बातें सुननी पड़ती थी, तब जाकर दोबारा ट्यूबवेल चलाया जाता। यद्यपि दोनों पति पत्नी खूब सतर्कता रखते और कोशिश करते कि किसी को किसी तरह की शिकायत न हो, पर कभी मकान मालिक तो कभी मकान मालकिन किसी न किसी तरह की हिदायत देते ही रहते। वहां सफाई रखो, इधर कचरा मत डालो, उधर मंजन मत करो। रामलाल को भी एक फैक्ट्री में काम मिल गया था, वेतन भी पर्याप्त मिलने लगा था। शाम को जब वह घर आता तो राधा के चेहरे पर वही उदासी टंगे मिलती।
किसी बुझती हुई बाती में डाले गए तेल की तरह उसका घर लौटना दोनों बच्चियों की आंखों में चमक ला देता। वह दोनों बच्चियों के साथ घंटों तक खेलता रहता। एक दिन रामलाल बच्चियों को कहानी सुना रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, देखा तो मकान मालिक था। बड़ी बच्ची तन्नू ने लाकर एक कुर्सी रख दी, पर वह बैठा नहीं बल्कि कमरे का गहराई से मुआयना करने लगा। खिड़की की दीवार के साथ सहारा लगाकर रखी गई मटकी की ओर अचानक उसका ध्यान गया। ये मटकी यहां क्यों रखते हो? देखिए इस लोहे की जाली में इसी कारण जंग आ चुकी है, आगे यहां नहीं रखेंगे श्रीमान जी। पर यह जंग तो पहले से ही आया हुआ था, राधा ने आत्मविश्वास के साथ साथ जवाब दिया। मकान मालिक अपने तर्क देता रहा, राधा उसकी हर तर्क को काटती रही। आखिरकार वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। धीरे धीरे रामलाल और राधा को लगने लगा कि मकान मालिक और मालकिन अक्सर गंभीर और मौन ही रहते हैं, केवल कुछ जानकारी लेने के उद्देश्य से बोलते हैं, निरीक्षण करने के बहाने कमरे में आते हैं। ये वो बस्ती है जिसमें सब अपने काम से काम रखते हैं, बिना काम कोई नमस्ते भी नहीं करता। गर्मियों के लंबे और उमस भरे दिन आ चुके थे, सब और कोरोना के आतंक का साया था, हर कहीं सन्नाटा छाया हुआ था। राधा पास की दुकान से सब्जी लेकर लौट रही थी कि अचानक उसकी नजर एक परिचित महिला पर पड़ी जो बगल के मकान से निकली थी। अरे रानी भाभी आप, राधा ने आश्चर्य के साथ कहा। मेरा तो यही ननियाल है, गांव से आने के दूसरे दिन ही लॉकडाउन लग गया और तब से मैं यही हूं। लेकिन राधा भाभी आप यहां कैसे? हाँ भाभी, मैं भी साल भर से यहीं इस मकान में किराए का कमरा लेकर रह रही हूं। वे यहीं पर एक फैक्ट्री में काम करते हैं। गांव में कैसे हैं सब? यहाँ शहर में आने के बाद गांव की कुछ खैर खबर ही नहीं है, राधा जानने को उतावली थी। हम भी हमारे गांव के चौराहे वाले मकान को खाली करके गांव से बाहर रतनपुरा की ढाणी में रहने लगे हैं। वहीं पर हमारे खेत और कुआ है, सोच रहे हैं गांव के मकान को बेच दे, रानी बता रही थी। राधा को तो मानो घोर अंधेरे में प्रकाश की कोई किरण मिल गई थी। उसने तुरंत कहा, अरे भाभी वो मकान हम ले लेंगे, वहां रोज की किचकिच से परेशान होकर हम यहां इस शहर में आ तो गए हैं, पर इस मुए शहर में तो मेरा दम घुटने लगा है। राधा भावुक होकर साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। अरे दुखी मत हो भाभी, तुम जिस दिन चाहो गांव जाकर उस मकान में रह सकती हो। रानी भाभी के इन शब्दों ने जैसे राधा के सिर से टनों बोझ उतार लिया था। राधा वापस कमरे में गई तो कम मकान मालकिन को अपनी ओर देखते पाया। सुनो, राधा ने पलट कर देखा तो वह कुछ कह रही थी। अपने हाल में मस्त रहा करो, ये लोग अच्छे नहीं है, उसने मकान बगल के मकान की ओर इशारा करके कहा। राधा ने मकान मालकिन की बात सुनी और चुपचाप बिना जवाब दिए अंदर चली गई। वैसे तो रानी भाभी ने भी बता दिया था कि उनकी इस परिवार से बोलचाल बंद है, पर इससे उसको क्या, सबका अपना अपना व्यवहार है। शहर की इस काटती तनाई और लॉकडाउन के सन्नाटे में किसी दुर्लभ संयोग से तो कोई खुलकर बोलने वाली सहेली मिली। अब तो दोनों सहेलियों की कभी सब्जी लेने जाते समय तो कभी मंदिर में मुलाकात हो जाती, दोनों जी भरकर बातें करती। उस दिन राधा घर से निकली थी कि रानी सामने से आती दिखाई पड़ी। दोनों मकान के सामने स्थित गुलमोहर के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर घंटों बतियाती रही। दूसरे दिन राधा सुबह बाहर चौक में कपड़े धो रही थी, रामलाल ध्यान करने के लिए बैठ चुका था। मकान मालकिन भी वहीं चली आई और तेज आवाज में बोली, देखो हमारा कमरा खाली कर दो, हमारे ही मकान में रहकर हमारे ही दुश्मनों से हमारी ही बातें करने से बाज नहीं आते। वह आवेश में बड़बड़ाई जा रही थी। ठीक है, कमरा खाली हो जाएगा, राधा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया।
और मौन हो गई। उधर भीतर रामलाल ने सुना तो दो बूंद आंसुओं की टपक पड़ी। जिस किचकिच से बचने के लिए वह यहां आया था वह तो यहां भी पीछा नहीं छोड़ रही है। अब मैं यहां से कहां जाऊंगा, कोई रास्ता दिखाना प्रभु। रामलाल ने फैक्ट्री के एक मित्र के सहयोग से एक दूसरा कमरा देख लिया और पेशकी के तौर पर 500 रुपए दे भी आया। उधर राधा पीहू और तन्नु के सहयोग से सामान पैक करने लगी। सुबह का सूरज निकलने के साथ ही सामान छोटी लॉरी में पीछे की ओर रखा जा चुका था। आगे केबिन में राधा और रामलाल बैठ गए। गाड़ी रवाना हो गई। थोड़ी दूर एक चौराहे के पहले ड्राइवर ने कहा, किधर मुड़ना है साहब, गाड़ी विश्वकर्मा नगर की ओर मोड़ दो। रामलाल ने इशारा किया। राधा बोली, नहीं भैया, गाड़ी को सीधी हरिपुरा गांव की ओर मोड़ लो। रामलाल चौंक गया, लेकिन मैंने तो वहां किराए के कमरे के लिए पेशकी के 500 रुपए दे दिए। राधा बोली, दे दिए होंगे, मुझे अब इस शहर में नहीं रहना है, मैंने मीरा के खाली मकान की चाबी ले ली है। और गाड़ी वापस गांव की ओर दौड़ने लगी, अपने एक नए घर की उम्मीद में, और वह भी अपने ही गांव में। राधा मानो एक नई उम्मीद पर सवार होकर उड़ी जा रही थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।